वेलकम टू माय क्लास चैनल। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। हमारे पास क्वेश्चन है क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है हमारे पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लेंथ जो है वो भी गिवन है 20 सेंटीमीटर। हमें ब्रेथ फाइंड करनी है रेक्टेंगल की, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एरिया। एरिया जो है वो हमारे पास क्या है रेक्टेंगल का 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लेंथ हमारे पास एल से शो कर देते हैं, वो भी गिवन है 20 सेंटीमीटर। ब्रेथ हमें बी फाइंड करनी है, ब्रेथ को बी से शो कर देते हैं। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। एरिया हमारे पास गिवन है तो एरिया हम यहाँ पर पुट कर देंगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ हमारे पास गिवन है 20 सेंटीमीटर, वो भी पुट कर देंगे। ब्रेथ हमारे पास यहाँ पर नहीं है तो मल्टीप्लाई बी का भी ही आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब 100 सेंटीमीटर है हमारे पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और बी यहाँ पर है और 20 सेंटीमीटर इसके साथ एज ए प्रोडक्ट है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाना है। और हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर है यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर एक सेंटीमीटर से कैंसिल हो गया तो सेंटीमीटर जस्ट रह जाएगा। और 100 को हम 200 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 वन टाइम, 100 कितने टाइम्स होता है, 2 times 200 होता है, तो 1/2 को डिवाइड करवाओ तो क्या आता है 0.5 होता है, तो हम यहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर लिख देते हैं, तो b इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ब्रेथ हमारे पास क्या आ गई, b इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर, समझ आ गया। आपने याद रखना है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला वो ये होता है, एरिया इक्वल टू l इंटू b, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो एरिया गिवन था वो पुट किया, लेंथ गिवन थी वो पुट की, ब्रेथ नहीं था वो वैसे का वैसे बी आ गई, इधर ही रहा, इधर एज ए प्रोडक्ट इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इसको डिवाइड करें तो 0.5 आ जाएगा और सेंटीमीटर आ जाएगा, बी इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर आ गया और ये सॉल्व होगा। होप्स अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक और बात जो आपने याद रखनी है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला ये है, एरिया इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय बी, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला ये है, पी इक्वल टू 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो आपने याद करना है, रखना है, मिक्स नहीं करना। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।